नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, अगर आपके पास 40 फीट बाई 30 फीट की अगर प्लॉट है और आप दोस्तों इस तरीके से घर बनवाना चाहते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं इस घर में कितने बेडरूम हैं, बाथरूम वगैरह की क्या सेटअप है, किचन किस साइड बनाया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये पोर्टिको का जो डिज़ाइन है वो पहले ही हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो उसको भी जा कर के चेक कर सकते हैं कि इसको किस तरीके से बनाया गया है। तो चलिए घर के अंदर चलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं ये पोर्टिको बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके के कंस्ट्रक्शन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। वैसे शहरों में भी ये डिज़ाइन काफ़ी प्रचलित है। आर्क तो दोस्तों एवरग्रीन डिज़ाइन है, काफ़ी सदियों से बनता आ रहा है दोस्तों, और ये डिज़ाइन कभी पुराना नहीं होता आर्क डिज़ाइन। ये चीज़ हो गई घर की मेन एंट्रेंस। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से होती है घर की मेन एंट्रेंस, ठीक है। तो चलिए मैं आपको घर के अंदर लिए चलता हूँ और ये देखेंगे दोस्तों इस तरीके से मैं आपको पूरी चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आपको अपना घर बनवाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले राइट साइड में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक हॉल का सेटअप दिया गया है जिसमें पूरे दो खिड़की लगाए गए हैं। ये चीज़ें हो गई। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटीज़ दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, चूँकि यहाँ पे कहीं धूप है कहीं छांव है, तो इस तरीके से दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत तो आती है वीडियोग्राफी में। और ये इस घर का हॉल है, ठीक है, डाइनिंग प्लस हॉल। एक बार दोस्तों इसका साइज़ आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी हवादार खुला हुआ दोस्तों ये घर आपको देखने में लगता है। वैसे खिड़की का साइज़ और थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता था दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये हॉल है और डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ये एक सीढ़ी है और सीढ़ी में सेकेंडरी एंट्रेंस उधर से दिया गया है। सेकेंडरी एंट्रेंस कैसे देते हैं दोस्तों, इस पर हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, उसको जा करके देख सकते हैं। हमारी एंट्री यहाँ से हुई थी, ठीक है, और यहाँ देखेंगे दोस्तों ये अग्निकोण पे बिल्कुल जो है वो किचन बनाया जा रहा है। किचन में साइज़ तो अच्छा दिया गया है किचन का, लेकिन दोस्तों थोड़ी सी गलती की गई है। हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है कि इस किचन में क्या गलती है। वैसे किचन इस जगह पे आप सेटअप कर सकते हैं, बनाने का तरीका आप बदल सकते हैं दोस्तों, जगह काफ़ी सही है, ठीक है, और साइज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। बहुत कम ही घरों में दोस्तों इतना बड़ा किचन आपको देखने को मिलता होगा। अब दोस्तों यहाँ तक हमने कवर कर लिया है, आगे चलिए आगे देखते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। दोस्तों इस घर को प्लान और सही तरीके से किया जा सकता था। दोस्तों सामने में देखेंगे एक आपको कॉमन टॉयलेट कम बाथरूम देखने को मिलेगा, मैं आपको लिए चलूँगा फिर दिखाने के लिए। दोस्तों बाएं साइड में दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक अगेन मास्टर बेडरूम इनका बन रहा है, ठीक है। ये बेडरूम हो गया, बेडरूम के आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक अटैच इसमें बाथरूम भी देखने को आपको मिल रहा होगा, ठीक है। ये इनका अटैच बाथरूम है, ये देख सकते हैं, साइज़ चेक कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया साइज़ दिया गया दोस्तों, ठीक है। लेकिन चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस घर में ये जो कॉमन टॉयलेट है दोस्तों, इसके साइज़ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। ये कॉमन टॉयलेट जो है दोस्तों इतना छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कॉमन टॉयलेट अच्छा नहीं है दोस्तों। इसको और शिफ्ट करके, चूँकि वो अटैच बाथरूम है, उसको थोड़ा छोटा करके दोस्तों इसको और एक्सटेंड करना चाहिए था, ठीक है, तब ये काफ़ी सही रहता, ठीक है। वैसे मैं आपको यहाँ की सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ, अब ये बेडरूम बचा हुआ है। बेडरूम में चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से कॉर्नर पे एक बेडरूम है, यहाँ पे कैंटिलीवर स्लैब बनाए गए हैं और ये चीज़ें आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों ये घर आपको कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपका या फिर आपके किसी परिचित व्यक्ति का घर बनने वाला है तो उसको ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। प्लॉट साइज़ 30x40 या फिर 30x30 भी है तो उस पोर्टिको को माइनस करके 30x30 में भी इस तरीके के सेटअप को तैयार किया जा सकता है। फिर मिलते हैं, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।